हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गौरी ट्रेवल कॉम्पिटिशन में। हेलो गैस, आज दोस्तों भंगाल उत्तराखंड का वो बॉर्डर क्रॉस करते एक गांव पड़ता है भंगाल। गैस तुमने आज पूरा भंगा का जो गांव की लोकेशन ने आज कवर की है तो आपके लिए क्या है, भंगा गांव है, भंगा गाँव में लोग कहाँ पर क्या क्या वहाँ पर जगह क्या क्या चीज़ है आप पूरा बताने दिखाने जा रहे हैं। आप दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को वीडियो लग सकता है, इसके लाइव कर देना जिसने भी नहीं किया है। हेलो दोस्तों, आपको लेके आ चुके हैं भंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज आपको लेके भंगा गांव के अंदर क्या भंगा एक मतलब गांव है, यहां पर उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस करती है भंगा गांव पड़ता है यहां पर। तो भंगा गांव के अंदर मतलब बता दें, यहाँ से हम छोटा एक छोटा सा कब्रिस्तान बता मैं उसे बोलते रहते हैं करना दाह संस्कार किया जाता है वहाँ पर, मतलब कि अग्नि में दिया जाता है जो जमीन मिट्टी की जलाया जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, आप ऐसा बोल सकते हैं आप। तो वो भी आपको दिखाएंगे आज हम भंगा गांव पर, आपको पूरा सबको नज़ारा आपने वाले हैं, पूरा शहर का एरिया आपको दिखाएंगे कि भंगा गांव कैसा है, मतलब कहां पर क्या है। ठीक है, चलते नेक्स्ट आगे। आप जैसे यहाँ से आते जाएंगे आप, ये तो सामने से आपको यहाँ से आपको यहाँ से सामने से आपको तालाब तालाब को आपको यहाँ से दिख रहा होगा, आपकी मछली पाली जाती है। चलो ऐसे यहाँ से यहाँ पर मछली पालन भी होता है यहाँ पर, और चाहते हो यहाँ तक मैंने घुमाएंगे यहाँ पर यहाँ से यहाँ रोटी आपको आज अपने चलते आगे चलते आगे चलते आगे एरिया कैसा मतलब एरिया है, और आपको इस तरीके का रोड मिलने वाली इस तरीके की रोड आपको वहाँ पर मिलने वाली है यहाँ पर लगातार जो रोड बनाएगी इस तरीके मतलब ये पत्थर मिट्टी डाल के सीधा यहाँ पर ऐसी इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आते हैं जस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको खेत आपको पूरा यहाँ पर खेत दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पूरा खेत दिख रहा होगा। ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से आपको पूरा हम दिखाते जा रहे हैं लगातार यहाँ से हम पहले थोड़ा वीडियो बड़ा होता है अपने यहाँ पर चीज़ को दिखने आपको बेस्ट वीडियो मिलने वाला आपको यहाँ से। वैसे आ चुके हैं यहाँ पर भंगा के पास में छोटी सी जगह है, वहाँ पर कब्रिस्तान बोलते हैं थोड़ा संस्कार की क्रिया हो जाती है यहाँ पर की जाती, वो आपको जगह आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ की रोड आपको रोड दिखा देंगे आपको, एक आपको लोकेशन आपको दिखाए यहाँ से आके हम। तो हमारा आज का न्यू ब्लॉक है, आज का गंगा का जो यहाँ पर है काव्य स्थान है गंगा का, आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे। लोग ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक स्थान मतलब एक जगह आपकी है यहाँ से छोटी सी, यहाँ पर ओनली दो यहाँ पर ओनली दो ही जगह है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर देखिए या कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, ये तो सामने का तीन टाइप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ का मतलब ये एरिया दिख रहा है यहाँ पर जो इतना ही तो इस एरिया के अंदर कब्रिस्तान है यहाँ पर दिख रहा होगा कब्रिस्तान, मतलब यहाँ पर ये दाह संस्कार किया जाता है यहाँ पर, ये छोटा सा एरिया जहाँ तक पेड़ लग जाता है यहाँ से यहाँ तक आपको है। और आप डायरेक्ट आते हैं आप अगर आप इधर आते हैं साइड में अगर आप तो अगला आपको पेड़ दिख रहा होगा आपको यहाँ से, ये पेड़ जाता है यहाँ से, ये तो वैसे यहाँ पर पेड़ आपको यहाँ से पूरा तो टोटली यहाँ से यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर मतलब ऐसा ही व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर एक, तो हर बात पूरा शमशान घाट पूरे आ रहे उन्होंने पूरा जिक्र भी उन्होंने यहाँ पर कर रखा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा कुछ हालांकि हम थोड़ा अंदर नहीं आएंगे यहाँ से, हम तो आपको भारी भारा को हम दिखा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर कुछ किया जाए हुई यहाँ पर अभी, तो ऐसे आप दिखा रहे हैं यहाँ पर ही अब कहीं ये आपका ये छोटा सा ये रमजान घाट है आपका एरिया, ऐसे आपका ये एरिया आपका यहाँ से जो यहाँ से ये एरिया आपको यहाँ से जा रहा है, ये आपका एरिया पूरा रमजान घाट के अंतर्गत आता है, ये रमजान घाट आपका यहाँ से है ये, तो ये पूरा आपको यहाँ से
वो तो लगता है कोई खत्म हुआ है यहाँ पर, तो पूरी प्रक्रिया की गई है और सब उधर में बैठे। थोड़ा यहीं से आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ से हम, ये छोटा सा गांव तरफ जो बनता है गंगा का जो होता है, ये आपका ये शमशान घाट है उसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोला जाता है। एक ये आपको हमने आपके सामने कुछ आपको दिखाया था यहाँ से, ये चीज़ ये चीज़ आपकी ये चीज़ है। आपको नेक्स्ट टाइम उठते हैं आपके गाँव थोड़ा अंदर ले आपके और लाइफ आपको अंदर ले जाते हैं। ये आपका तो ये काफ़ी पुराना मतलब है, ये आपका ये भाई इतना चुका आपको दिखा यहाँ, ये आपका है दुनिया का आपका ये इतना चुका यहाँ यहाँ पूरी दरार आ चुकी, मतलब पूरी तरह ये दरार आ चुकी है यहाँ पर दरार। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर इसका यूज ये इतने एरिया में बोलते हैं गाँव का ये शमशान घाट से बोल सकते हैं आप, ये गाँव का शमशान घाट को आप बोल सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर आपका है ये। तो यार नेक्स्ट आपको आगे बढ़ते हैं यहाँ से मुझे, तो आपको यहाँ पे जो दिख रहे होंगे यहाँ पर आपको ये, तो आपको यहाँ पर जो जो दिख रहे हैं आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर ये, तो मुझे कुछ न्यू कवर किया जाएगा यहाँ से। तो आपको यहाँ पर गेहूँ आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, आपके आपके ये गेहूँ आपको यहाँ से ये यहाँ पर गड्ढे वंडे रखे हैं यहाँ पर, आपको मतलब यहाँ पर जो वैसे जो यहाँ पर रखते होंगे यहाँ पे जो कंडे वंडे यहाँ पे कंडे अपने अपने, तो इसलिए मन चलिए पूरा ये थोड़ा अभी अंदर भी हम नहीं गए अभी, अभी बाहर ही बाहर लोग वैसे भी थोड़ा बाहर ही बाहर अभी आए हैं, अभी गाँव अंदर घुसने वाले हैं स्टोरी हम। तो थोड़ा सा अंदर आगे और बढ़ते हैं यहाँ से आगे अभी यहाँ से, तो आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पर एक नल भी लगा हुआ है यहाँ से गेट बेटा घुसते हुए यहाँ पे आपका नल भी लगा हुआ है यहाँ पर, और हमने यहाँ से आप आएंगे लगा क्या होगा, आपको बलद का पेड़ आपको दिखा होगा, आप बलद का पेड़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक पीपल का पेड़ पीपल का पेड़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और आप अंदर आप ऐसे एंट्री करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आपको पूरा ये चारों तरफ का ये खेत है आपकी आपकी रोड है यहाँ आपको आपको दिखा रहे पूरा, ये आपकी रोड की लोकेशन आपकी रोड की लोकेशन है यहाँ की ये, और हमने पीपल पेड़ आपका पीपल का एक पुराना पेड़ आपका ही यहाँ पर ही। और गंगा के अंदर एक मंदिर भी पड़ता है आपको दिखाने आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर गंगा के अंदर एक मंदिर भी है आपको थोड़ा सा हमको, और हाँ यहाँ से गंगा का भी आते थोड़ा सा मंदिर ही आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ मंदिर ही पड़ते हैं यहाँ पर, मस्जिद भी आपको मिलने वाली है यहाँ पर दोनों। गाइस गेट उसका बंद है अभी, गेट गेट खुलना पड़ेगा, हमें गेट को खोलना पड़ेगा यहाँ पे, गेट हमारा खुल चुका है लोग मान लिया कर रहे हैं। हाँ ये गंगा गांव का मंदिर है आपको आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये गंगा गांव है आपको गंगा गांव का ये मंदिर है, ये पूरा पूरा लोकेशन आपको कवर कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, ये गंगा गांव का ये मंदिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो अच्छा उतर ये संजय महाराज हैं भाई, हमारे संजय महाराज आपको दिख रहे होंगे यहाँ से, और ये बकाजे को बहुत ही अब बहुत सुंदर मंदिर है, मन आप मंदिर पूरा आपको दिख रहा होगा मंदिर यहाँ पर, ये हेलो गाय समझ के आ चुके हैं गंगा गंगा गाँव कवर करने वाले लोग ऐसे, हम गंगा गाँव आज हम पूरा कवर करने वाले हैं आपको, आज आपको दिखाने वाले हैं यहाँ मंदिर भी है यहाँ क्या पर क्या क्या यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ से ये रानी ये हनुमान महाराज यहाँ पर, और ऊपर भी चलते हैं आप तो हमने आप शंकर जी आपको दिख रहे होंगे यहाँ से। तो लगा ये हमारे यहाँ के ये गंगा गांव का ये बहुत ही हब सुंदर मंदिर आपको पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पर,
आपको अंदर अंदर आपको दिख रहे होंगे शंकर जी, आपको अंदर आपको दिख रहे होंगे आपको। अंदर आते हैं अंदर, हेलो गाइस अंदर आएंगे आप ये, अंदर आने में कुछ आपको बोलो कुछ दिख रहा होगा शंकर जी यहाँ पर भोले नाथ, यहाँ हेलो गाइस यहाँ पर भोले नाथ आपको आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, और मंदिर महाराज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे मंदिर महाराज हमारे यहाँ, और ये सही एक गणेश जी है ये आपको सबको दिखा रहे हैं। तो दो गेट यहाँ से आने वहाँ से जाने का, ये पूरा दो गेट आपको दिख रहे होंगे यहाँ, थोड़ा सा थोड़ा यूटर्न मारते हैं यहाँ से आपको दिखा रहे हैं यहाँ से ये। तो यहाँ पर ये संतुल ग्राम रहते हैं यहाँ पर, गाँव का ही मंदिर आपको पैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ से मंदिर पूरा पास है, यहाँ पर नल लगा हुआ काले बकाजे। तो भाई ये थोड़ा सा आप यहाँ चलते हैं नेक्स्ट यहाँ से, आप थोड़ा सा अंदर आपको। तो भाई ये आपको गंगा गांव का ही मंदिर था आपको दिखा रहे हैं यहाँ से ये। तो नेक्स्ट आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा गंगा गाँव थोड़ा घूमेंगे यहाँ आपको करने वाले यहाँ पर। थोड़ा स्कूल बंद करना पड़ेगा यहाँ से, थोड़ा इसको ऐसा कर करके अंदर से आँख डाल कर थोड़ा इसको भी बंद हुई बंद आपको यहाँ से फाइनली मंदिर रख कर आपको दूर दूर दिख रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर, फाइनली आपको थोड़ा यहाँ से दिखा रहे हैं आपको यहाँ से और आपको दिखा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर ये चीज़। नेक्स्ट आपका आज आज गाँव का था आपको करने वाले आज आज द्वारा, एक जगह थोड़े मंदिर के पास के अंदर जो मंदिर में प्रोग्राम वराम होते हैं यहाँ पर, तो उसके पास में ये अंडर में ये जगह मतलब आती है, और अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये। काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पर, मतलब काफ़ी बड़ा ब्लॉक हो सकता है इस टाइम का आपको बता दें, यहाँ से काफ़ी बड़ा ब्लॉक हो सकता है यहाँ का इस गाँव मतलब जो ये हम कवर कर रहे हैं यहाँ का, काफ़ी बड़ा ब्लॉक यहाँ पर यहाँ का हो सकता है यहाँ का। तो इस गांव काफी बड़ा लग रहा है यहाँ से, मतलब पूरा गांव अगर तो वो गंगा कहीं में काफी बड़ा गाँव एरिया कर रहे हैं
तो ये भैया का इतना बार बार तो ये हुए हैं रोड आपको देखने के लिए लेते हैं यहाँ से मतलब क्योंकि संडे का दिन है, संडे दिन हफ्ते यहाँ से रहा था वो तो टोटली ये यहाँ से लोकेशन होगा पूरी हम आपको आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये बैंड ले जाना गाइस, तो मतलब काफ़ी बड़ी लोकेशन है यहाँ की, मतलब काफ़ी बड़ा ब्लॉग बनने वाला है ये, इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो कलर शेयर कराता देना। फिर आपको अंडे मिलती रहे गौरी ट्रेवल का बुक, गौरी ट्रेवल का प्रोडक्शन आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, से आपको आने वीडियो अलग मिलती रहे। आगे बढ़ते जा रहे थे, ये कहते थे हमें अभी मेरे पास अलग गैस, अभी हम थोड़ा बाहर बाहर चल रहे हैं कि आपको दिखा रहे हैं गाँव अंदर नहीं गए, हमने दिखाया है पूरा यहाँ से हमने स्कूल थोड़ा सा स्कूल की तरह और घुमा लें इसके साथ आपको हमें यहाँ से ऐसा लगा थी। तो थोड़ा बाहर का लोकेशन और थोड़ा अंदर का आपको आधा को थोड़ा और कवर करने वाले हैं यहाँ से, तो थोड़ा अंदर की लोकेशन और आज हम थोड़ा सा कवर करेंगे। आज आपको दिखाने जाएंगे भाई हमारे यहाँ की जो भाई हमारे यहाँ की जो मेन जगह है आपको यहाँ की जो हिंदा एरिया आपको दिखा रहे, मतलब ये सिर्फ बाहर बाहर की लोकेशन है भाई। आपको लेके आ चुके हैं मेन टाइम में स्कूल में, यहाँ पर एक स्कूल पढ़ता है लगा जी रिश्ता भी कहीं किसी गाँव के इधर नहीं आने वाले सारे लाल भी चाहो तो आपको यहाँ से दिखाओ चाहो तो आपको यहाँ से गेहूँ आपको चाहो तो यहाँ से सिर्फ यहाँ पे गेहूँ वहाँ पर आपको दिखने वाले हैं हमारे, और यहाँ पर ठंडे के आपको उपले यहाँ पर मिलेंगे आपको यहाँ पर। यहाँ से निकलना चाहते हैं सीधे यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपको रोड से यहाँ से पहुँच सकते हैं, यहाँ से है ये और यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये चीज़ ये यहाँ पर ये अगले ये यहाँ पर जो यहाँ पर गन्ने गन्ने काट दिया गया है, फिलहाल अब गन्ने को काट दिया गया है। तो भाई हमारा ये लोकेशन थी यार की लोकेशन आपको दिख रही यहाँ पर, तो वैसे तो आपको ये आगे से वैसे आगे बढ़ रहे हैं पूरा रिकवर कर रहे हैं यहाँ से पूरा हम देखते हैं रिकवर कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर वैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा हो यहाँ से तो भंगा गाँव यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करने पर आपको उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस करेंगे आप तो आपको आपके गांव पड़ेगा यहाँ से, आपके ये गांव पढ़ने वाला है। तो ये तो था आपकी पूरी बाहर की लोकेशन थी यार, पूरा आपको पूरा आपका ये सिर्फ बाहर बाहर का लोकेशन है, अंदर तो वालों का अभी चलने वाले हैं अभी यहाँ से, तो अंदर अभी लोग चलने वाले हैं यहाँ से। और आपको आ चुका हूँ तालाब पास में, यहाँ पर मछली पालन होता है यहाँ पर, गैस हम आ चुके हैं यहाँ पर मछली पालन होता है यहाँ पर, आपको दिखाते हैं यहाँ से ये लोग ऐसे हम आ चुके हैं ये लोग है। तो ये की मछली पालन है यहाँ पर, जो मछली पाली जाती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जल भरा यहाँ पर मछली पालन के लिए यहाँ पर ये जल तालाब टाइम में ये किया गया है खेत में इस तरीके के तालाब में यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ से गैस यहाँ पर ठंडी ठंडी यहाँ पर हेलो टाइम यहाँ पर यहाँ पर चल रही है आपको पानी बता दें यहाँ से मंगा गांव के अंदर हम पेंट हैं टाइम। और भी तुमने लोग अभी कभी आधा घूमे भी हमने सिर्फ बाहर बाहर को दिखाया आपको, मैंने अभी अंदर एंट्री की नहीं भी नहीं अब अंदर एंट्री हम करने वाले टाइम एंट्री करने वाले एंट्री में आपको दिखा कुछ आपको नया दिखाने वाले हैं। आप दिख रही है आप ये आपको लोकेशन आपके यहाँ की है ये लोकेशन यहाँ की है ये
तो ऐसे यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर ये अभी तो इसलिए यहाँ से हम अगर थोड़ा सा अब हम यहाँ से बैग मारते हैं यहाँ से और बैग मारते हैं यहाँ से निकलते हैं और बस यहाँ से निकलना है यहाँ से और पूरा थोड़ा राउंड अप दिखा दिया यहाँ पर ये गाँव का जो नज़ारा है यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर आप वैसे ही आप दिखाना चाहते हैं यहाँ से गाँव क्षेत्र का ही बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा एरिया में काफ़ी एरिया में ये चीज़ नज़र आती है लेकिन यहाँ पर पेंट टाइम में अब यहाँ पर हमें गांव के अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पर इससे हमें जो कि यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर मतलब जो कि अभी बड़े एरिया मतलब हम इस टाइम सिर्फ बाहर बाहर आपको दिखा पाए हैं और आपका ये वीडियो पूरा 10 से 20 मिनट की आपकी और नहीं जाने वाला है ये तो अगर अब नेक्स्ट आप एंट्री करने वाले हैं गांव के अंदर और गांव के आपको प्यारे थोड़ा को दिखाने का प्रयास करेंगे गांव की तरफ का थोड़ा ये और गाँव तरफ का ये आप इसे हम बच्चे बच्चे आज खेलने आप जाते हैं आपको आपको दिख रहा होगा यहाँ से और यू टर्न अगर हम लेते हैं अगर यहाँ से तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगर आपको सरसों की आपको आपको सरसों की दिख रहे खेत सरसों आपको आपको दिख रहा होगा यहाँ से तो यहाँ पर जैसे सरसों आपको दिख रहे होगा यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से वापस लेते हैं यहाँ से वापस लेते हैं आपको पूरा दिखा रहे हैं यहाँ से और लोग ऐसे ट्रेन का मिस्टेक नहीं वहाँ पे कटिंग नहीं हो रही है लोग बस गौरी ट्रेवल कम्युनिकेशन बोल रहा है आपको शेयर सब्सक्राइब कर देना इससे आपको ऐसे आपको आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे वैसे वैसे आगे रोड तो काफ़ी बढ़िया बनी है लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा सा मुझे अंदर ले आएंगे अगर आदमी पाया अगला तरफ छोड़ सकते यहाँ पर तो यहाँ से बच्चे खेलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा गाँव का तो गाँव की जो लोकेशन है अलग ही होती है यहाँ की गाँव की जो लोकेशन होती है गाँव की जो होती है लोकेशन थोड़ा अलग ही थोड़ा बेटर होती है यहाँ पर आपको कहना चाहेंगे तो भाई आपको दिखा रहे पूरे ये गाँव गाँव का साथ का ये पूरी लोकेशन है भाई अंगा गांव का ये पूरा एरिया है हम अंगा गांव का पूरा एरिया था उनके टाइम में हमारी हो चुकी है और अब के अंदर और हम अब पेन टाइम में आ चुके हैं जो अमरूद के जो बाग होते हैं यहाँ पर हिंदा गांव का जो अमरूद का बाग है आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये टोटली आपका आपका भंगा जो गांव है यहाँ पर उसका ये अमरूद का ये बाग आपको अमरूद का ही बाग आपको है ये भंगा गांव का ये अमरूद का ये बाग है आपको दिखा रहे हैं यहाँ से ये टोटली काफ़ी बड़े ऐसे है मतलब यहाँ से ऐसे आप सीते हैं यहाँ से आता बंद है यहाँ से तो नेक्स्ट आगे बिल्डिंग दिख रहा है तो हम नेक्स्ट यहाँ से जब आप सीख को ले रहे हैं यहाँ से तो हम जरूर बिल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप मिल गया है मतलब यहाँ पर जो लोकेशन में हमने सिर्फ डॉक्टिंग के लोकेशन में हमने 100 GB हमने डाटा हमने पूरा 30 GB टाइप कर लिया था अभी खाली कर दी थी इसलिए ऐसे हमने खाली कर दी थी यहाँ पर प्रिंटर में अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो भाई नेक्स्ट यहाँ से अब कहाँ जाना है आपको थोड़ा देखते हैं भाई थोड़ी तगड़ी है मतलब अब ये बत्तख आपको दिख रहे हैं बत्तख चलती हुई आ रही है यहाँ से तो इस हलवे से हम आलू की खेती कितनी आलू यहाँ पर सूरज गया है तो मछली आ गई
तो पूरा हम पूरा कवर कर रहे हैं, पूरा 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 ये मुस्लिम बोल वहाँ पे मतलब आप दोनों मिले थे मिलके रहते हैं यहाँ पे खासियत ये है आपके लिए। हेलो गाइस, हम सेकंड मिस नहीं करने हैं आप लोग वीडियो को देखने से, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। मुझे ग्रेट टाइम आ चुके हैं रोड पे, यहाँ पर आपको गाय भैंस सब कुछ दिख रही है। यहाँ पर मतलब पेंडा में पूरे गांव का ही इलाका है, पूरे एरिया है, पूरा दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब इससे पूरा नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा आपको हो सकेगा उतना आप आपको मिलना इस एरिया को कवर करने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। बस ऐसे आप देख रहे होंगे लगातार ये चीज़ पूरी हमारी वीडियो आपको दिख रही होगी, यहाँ से वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन तो वीडियो अब देखिए आप लोग पूरा गंगा जी गाँव के लिए हम थोड़ा सा और थोड़ा बहुत देख लो देखते हैं। आपकी झंडा दिख रहे हैं यहाँ से झंडे, यहाँ पर वह तो यहाँ पर सब यहाँ पर मिल के रहते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सी इस एरिया के तालाब वाला यहाँ पर पड़ रहा है यहाँ पर भी। यहाँ से वो सामने से भी आती है और
कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पे हम सोई यहाँ पहले यहाँ पे होती है यहाँ पर सोई यहाँ पर इसलिए हमारी जो पूरा ये ब्लॉगिंग चल रहा है आज वो दिख रहा पूरा विस्तार से मतलब ये तो गांव का जो पूरा एरिया होता है मैं पूरा कवर कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ से हम रिटर्न हम ले लेंगे यहाँ से वापस यहाँ पे छोटी छोटी दुकान है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर तो आपको पूरा मिले पूरा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे यहाँ पर क्योंकि हम थोड़ा सा मेरा प्रयास दिए थोड़ा सा और अंदर थोड़ा सा अंदर थोड़ा हमें यहाँ पर कवर करेंगे हमारा ये प्रयास यहाँ पर रहने वाला है यहाँ पर मतलब देखने के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ आती यहाँ पर काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है मतलब काफ़ी देर हमें यहाँ पर और घंटों का यहाँ पर चलते रहते हैं यहाँ पर कई टाइम में अंदर जाती है यहाँ से अरे सीधी ले आ रही है इधर जा रही है Thank you.
घूमने के लिए गाँव से गाँव से घूम फिर गए और फिर गाँव के ब्लॉकिंग का सब क्लियर कर लें सफर कर लें यहाँ पर यहाँ पे पहुँची मतलब एलो गए यहाँ पर कहाँ पर क्या है सही और यहाँ पर घूमते घूमते लगा यहाँ पर 8 घंटे हो चुका है यहाँ पर और काफ़ी बड़ा रहती है। अरे यार कहीं बड़ा मतलब कहीं बड़ा गांव है आपको देखेंगे कहीं नहीं जाएगा यहाँ पर ये कहीं बड़ा गांव है जिसकी ऊपर मतलब यहाँ आपको यहाँ से कई ऑटो ऑटो वहाँ पर चलते रहते हैं यहाँ पर यहाँ पर तकली आप सभी आज के यहाँ से मिले यहाँ से तो इतना ही यहाँ से आज के लिए इतना नंबर बैक यहाँ से लेते हैं यहाँ से। अरे बस अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं आपको यहाँ से हम नेक्स्ट एरिया पर हिंगा गाँव का एरिया हिंगा गाँव का जो एरिया पर ब्लॉग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पर स्थान है